अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को मेकअप करने का बेसिक तरीका बताऊंगी बिगिनर्स के लिए, और वो सब चीज़ें जो बहुत ही नेसेसरी हैं और कंपलसरी हैं। सो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने बालों को जो है वो अच्छे से कैच कर लें, ताकि ड्यूरिंग मेकअप या आपको डिस्टर्ब ना करें। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है पैम्पर योर स्किन, यानी कि आपने अपनी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करना है, क्लींस करना है और वॉश करना है। ये तीन स्टेप जो है वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। एक्सफोलिएटिंग करने का बेनिफिट ये होगा कि जो डेड स्किन होगी आपकी स्किन से, जो ड्राइनेस वगैरह होती है, जैसे कि मेरे फेस पर हुई हुई है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, तो वो रिमूव हो जाएगी और बेस के ऊपर क्रैक्स नहीं पड़ेंगे और बेस बहुत ज़्यादा स्मूथ होगी एक्सफोलिएटिंग की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है क्लींस करने का। फेस को क्लींस करना बहुत ज़रूरी है, उससे डर्ट आइल एक्सफोलिएटिंग का जो चीज़ फेस पर रहेगी होगी, दाने वगैरह, वो भी अच्छे से रिमूव हो जाए। ये ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ क्लींजर, इसके जो ब्रशेज़ हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और सिलिकॉन ब्रशेज़ हैं और अप्रूव्ड हैं वो FDA से। उसके बाद जो थर्ड स्टेप है वो है आई क्रीम अप्लाई करने का। आई क्रीम बहुत ज़्यादा नेसेसरी, पहले यूज़ नहीं करती थी लेकिन अब मैं डेफिनेटली यूज़ करती हूँ। मैं यहाँ पे आईपैड यूज़ नहीं कर रही, ये हाइड्रेटिंग क्रीम है जो नेक के लिए यूज़ होती है लानबेना की, तो ये मैं डार्क सर्कल वाली जगह पे लगा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा वाटरी है और अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाती है। उसके बाद स्टेप है फेस ऑयल का या सिरम, हाईली रिकमेंडेड दिस वन। और ये जो है आप डे केयर और नाइट केयर में यूज़ करें 1 मंथ, उसके बाद अपने रिव्यूज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा, और बहुत ही काम की चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बहुत मुश्किल से उन्होंने मुझे अलाउ किया वीडियो के लिए, जब मैंने उनको बताया कि मैंने इस पर्पज़ के लिए लगानी है, तो वो मुझे शीट मास्क और आर्गन ऑयल वगैरह भी दिखा रहे थे। स्पेशल ऑयल जो है वो अपनी स्किन केयर रूटीन में मस्ट यूज़ करें, जैसे कि मैं 26 क्रॉस कर चुकी हूँ, मेरे पे एजिंग आना शुरू हो जाएगी अगर मैं अपनी स्किन की केयर नहीं करूँगी। फेशियल ऑयल जो है वो मेंटेन करते हैं हेल्दी बैलेंस आपकी स्किन का, आपकी स्किन को ड्राइनेस, ब्रेकआउट और फाइन लाइन्स और रिंकल्स से बचाते हैं। तो ये वाला जो फेशियल ऑयल है ये थोड़ा सा रीजनेबल भी है, क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा है इसकी, और मैं इसको मल्टीपर्पज़ के लिए यूज़ करती हूँ, डे केयर और नाइट केयर रूटीन में भी यूज़ करती हूँ, उसके अलावा फाउंडेशन में। और उसके अलावा मैंने इसे 24 कैरेट गोल्ड सीरम भी बनाया है, क्योंकि ये एज अ कैरियर ऑयल भी यूज़ होता है, इसके अंदर एसेंशियल ऑयल मिक्स करके। तो अगर आप लोगों को चाहिए हुआ मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और जो फेस ऑयल्स होते हैं वो हमारी बेस को लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं, क्योंकि ऑयल जो सीरम्स होते हैं वो डायरेक्टली पोर्स के अंदर जाके अपना वर्क, और फेस ऑयल सीरम्स और प्राइमर यूज़ करने से स्किन मेकअप के साइड इफेक्ट से भी बची रहती है। फिर उसके बाद बारी आती है प्राइमर अप्लाई करने की। प्राइमर के भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, अक्सर मैंने देखा यूट्यूबर्स प्राइमर के बेनिफिट को नहीं मानती हैं, लेकिन बहुत बेनिफिट हैं। प्राइमर जो है वो आपकी स्किन और मेकअप के दरमियान एक लेयर बना देता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइमर जो होता है वो हमारे पोर्स या स्कार्स वगैरह हैं अगर आपके स्किन में, तो उसके अंदर जाकर ना बैठ जाता है और उधर पे वो उन खड्डों वगैरह को फिल इन कर देता है। फिर जब आप बेस लगाती हैं तो वो एज सच अपेयर नहीं होते जब आप बगैर प्राइमर के बेस लगाएंगी। बाकी मैं आपके साथ वीडियो शेयर कर दूँगी किस स्किन टाइप पर किस तरह का प्राइमर आपको सूटेबल होगा, इफ़ यू वॉन्ट तो कमेंट कर दें। उसके बाद ये मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ पार्टी क्वीन का, ये इसका कंसील प्लस परफेक्ट यानी कि 2-in-1 फाउंडेशन है, एज अ फाउंडेशन एज अ कंसीलर, दोनों तरीक़ों से यूज़ हो सकता है। इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल मिलाऊंगी, क्योंकि एक फेमस यूट्यूबर हैं वो कहते हैं अगर आपको मॉडल लाइक बेस चाहिए होती है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल यूज़ कर लें। और देखें आप इसकी कंसिस्टेंसी भी बहुत ज़्यादा थिक है, मैंने उनकी लाइन यहाँ पर लगा दी, आप पढ़ लें। और ये जो फेस आइलैंड है इसको बहुत केयरफुली यूज़ करें, क्योंकि इसकी बोतल पूरी ग्लास में गिरेगी तो टूट जाएगी, पंप इतना अच्छा वर्क नहीं करता। आप इसको ड्रॉपर में डाल लें छोटे और फिर यूज़ करें। अब देखें पहले बेस मेरे कॉम्बिनेशन से थोड़ी सी लाइट थी, जब मैंने इसके अंदर ऑयल यूज़ किया तो ये मेरे कॉम्बिनेशन पर जा रही है, और थोड़ी सी देर बाद ना ये ऑक्सीडाइज होकर ना बिल्कुल मेरे फेस के जैसी हो जाएगी, क्रैक नहीं करती, बेस बहुत अच्छी है। बाकी जो और प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करूँगी ना इसके अंदर, उन सब का नेम विद नंबर कहाँ से मिलेंगे चेक करके वो भी डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बिगिनर्स जो है ना इस तरह का छोटा स्टिपलिंग ब्रश लेना, उसके मदद से फाउंडेशन को ब्लेंड करें, बहुत ही ईजी हो जाएगा उनके लिए। उसके बाद जो ब्लेंड होने के बाद मैं इसको किसी भी ब्यूटी ब्लेंडर से आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पैटिक का यूज़ कर रही हूँ, उससे डैम 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 करके मैं इसको ब्लेंड कर लूँगी। उससे ये होता है ना, इसको प्रेस करते हैं तो फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो जाती है। और उसके बाद जब ये ब्लेंड हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद मैं कंटूरिंग करूँगी फेस की, और मैं डायरेक्ट कंसीलर अप्लाई नहीं कर रही, थोड़ी देर से अप्लाई करूँगी जब तक बेस बिल्कुल सेट हो जाएगी। कंटूरिंग के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, हालांकि मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है कि अकॉर्डिंग टू मेरे फेस की कंटूरिंग कैसे होगी। तो कंटूरिंग पैलेट जो है वो मैं क्रिस्टाइन का यूज़ कर रही हूँ, शेड उसका 01, क्योंकि ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, इसका पाउडर बहुत ज़्यादा फाइन। साथ में मैं इमेज भी चला रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। गर्दन मोटी हो तो इस तरह से 2 लाइन क्रिएट करेंगे गर्दन के साइड पर, इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और मैंने ब्रशेस के लिए आपको गाइड किया हुआ है ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में, तो आप चेक कर लें। उसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी लगा दूंगी वीडियो का, अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वहाँ से जाकर देख सकता है कौन कौन से ब्रशेस ज़रूरी हैं इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद मैं ब्लश पैलेट यूज़ कर रही हूँ क्रिस्टीन का ही, और जो लंबा फेस हो या ओवल फेस हो ना उस पर जो एप्पल के चीक्स होते हैं ना, चीक्स के ऊपर चीक्स के जो एप्पल होते हैं सिर्फ उसके ऊपर ब्लश अप्लाई करते हैं इस तरीके से। और जो हाईलाइट की गाइड थी, वो जो कंटूरिंग वाली पिक्चर लगाई थी उसमें थी हाईलाइट की गाइड, तो आप देख लेना। तो ये कंसीलर मैं यूज़ कर रही हूँ पार्टी क्वीन का, ये मैंने ऑलरेडी कंसीलर वाली वीडियो में आपके साथ कंसीलर शेयर किए हुए हैं, आप वो वीडियो चेक कर, अगर आपने नहीं देखी है अभी तक वीडियो में ये सब चीज़ें नहीं बता रही मैं, क्योंकि ऑलरेडी बताई हुई हैं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप हर वो चीज़ बता रही हूँ जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, कंपलसरी है बिगिनर्स के लिए, जो मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे आप ही स्टेप बाय स्टेप।
हम लोगों के लिए मेकअप की कोई वीडियो बना दें। तो ये आप लोगों के लिए है वीडियो स्पेशली। उसके अलावा अब मैं ये जो बफिंग ब्रश है ना उसकी हेल्प से जो मैंने कंसीलर लगाया है उसको ब्लेंड कर रही हूँ, और जिन जिन जगहों पे लाइंस पड़ती हैं उन जगहों को फोकस कर रही हूँ ज़्यादा, जैसे अराउंड लिप है और नोज़ के अराउंड है, और उसके अलावा मैंने इसी से ब्रो को डिफाइन कर लिया है, और इसी से ही मैंने आई के ऊपर एज अ प्राइमर या कोई बेस वगैरह लगाते हैं तो इसी को मैंने कंसीलर को ही एज अ प्राइमरी बेस यूज़ किया है आईज़ के लिए। उसका बेनिफिट ये होगा कि जब मैं आई मेकअप करूँगी तो मेरा आई मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगा, मुझे बार बार कलर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो ट्रांजिशन कलर्स होते हैं वो एकदम से मेरी आईज़ पे आएंगे। अब मैं यहाँ पर लिप की शेप बना रही हूँ, जो आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं कि आप अपने लिप को किस तरह से पाउडर बनाती हैं। मेरा देखें ऊपर वाला लिप पतला है, अब मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है कि मैंने किस तरह से लाइन बाहर निकाल के लिप की लाइन क्रिएट की है, और जो ऊपर वाले लिप है ना उसकी लाइन जो है वो मैंने बाहर रखी है, और जो नीचे वाला लिप है उसकी लाइन जो है मैं ऊपर वाले लिप के अंदर कर दी है इस तरीके से। फिर मैंने उस लिप लाइन को ब्लेंड किया है विद द हेल्प ऑफ माय रिंग फिंगर। अब मैं ये मॉर्फी का 08 नंबर का लिप ग्लॉस है जो मैं लगा रही हूँ, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे जो मैंने प्रीवियस वीडियो में लगाया था कि आप लिपस्टिक आपने कौन सी लगाई है शेयर कर दें। तो ये थी वो लिपस्टिक, इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत ही मज़े का, उसी की हेल्प से जो मैंने आउटलाइन लगाई हुई थी ना उसको भी ब्लेंड आउट कर लिया ताकि वो नज़र ना आए। अब मैं लूज़ फेस पाउडर लगा रही हूँ पार्टी क्वीन का 03 मीडियम शेड है, इसका पैकेजिंग है इसकी इस तरह की। उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो इसके अंदर होता है स्पंज, और वो इस तरीके से फिंगर में लेके आप डायरेक्टली इसकी हेल्प से अप्लाई कर सकते हैं, कुछ और लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसका पाउडर बहुत ही फाइन है और वाइट कास्ट नहीं छोड़ता फेस के ऊपर। इस तरीके से मैंने अप्लाई किया है जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर लगाया था, कंसीलर को सेट करना बहुत ही नेसेसरी होता है, अदरवाइज़ कंसीलर जो होता है वो क्रैक कर जाता है। बाकी अब मैं आई मेकअप पे आ गई हूँ, ट्रांजिशन शेड लगाया है, ये सारे जो हैं ट्रांजिशन शेड्स हैं जो कि क्रीज़ पे यूज़ होते हैं, जिसको मैंने आउटलाइन किया हुआ था, इससे मैं अपनी क्रीज़ कर रही हूँ क्रिएट और स्लोली स्लोली इसको बिल्डअप कर रही हूँ। उसके बाद मैं डार्क ब्राउन शेड लेके क्रीज़ को डिफाइन किया क्योंकि मैंने नीचे शेड लगाना है ताकि वो नज़र आए। उसके बाद ये ब्लैक शेड लेके ना इसको मैं आउटर साइड पे जो है वो इसी एंगल ब्रश की मदद से ब्लेंड कर दूँगी लाइक दिस, और जो हार्श लाइन रह गई है उसको वापस से ट्रांजिशन शेड लेके जो लाइट पीची सा ऑरेंज सा कलर होता है उससे उसको अगेन ब्लेंड करूँगी, और ब्लैक शेड लेके इस तरीके से मैंने आउटर कॉर्नर पर वो क्रीज़ की जो लाइन होती है सॉकेट लाइन उस पर लगाया है, उसको आउटर साइड निकाल दिया है ताकि आईज़ मेरी लंबी लगे। उसके बाद मैंने ये मेट कलर मेटालिक कलर लेके इसको लगाया है दरमियान में, और ये इसी के अंदर से जो हाइलाइटर शेड्स होते हैं वो लेके उसको इस तरह से इनर का आईज़ पर लगाया है क्योंकि मैंने आँखों में लगाना है काजल और मेरी आईज़ छोटी ना लगे। और फिर हाइलाइट कर लिया है मैंने अपने ब्रो बोन को। उसके बाद ये काजल जो है ये भी पार्टी क्वीन का है जो मैं बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ वीडियोज़ में, और आप लोग पूछते हैं अभी आपने काजल कौन सा लगाया है, तो ये था वो काजल, बहुत ही ज़्यादा जेड ब्लैक काजल है और स्मच प्रूफ है, अच्छे से आप ब्लेंडिंग कर लें इसकी विद द हेल्प ऑफ एनी डार्क ब्राउन शेड, और ये लॉन्ग लास्टिंग देता है। और ये जो मेकअप था ना ये मैंने पहले रिकॉर्ड किया था और मैंने एडिट करके वीडियो रखी हुई थी कि मैंने अपलोड करनी थी कल, पर मेरे बच्चों ने वीडियो डिलीट कर दी। मैं पहले तो काफ़ी देर तक रोती रही हूँ बैठ कर, इतनी मेहनत से मैंने पूरी रात बैठ के वीडियो बनाई थी और आप लोगों ने डिलीट कर ली। फिर मैंने कहा बहुत कोशिश की रिकवर करने की पर नहीं हो सकी, फिर मैंने दोबारा बनाई वीडियो। उसके बाद ये मैं मिस्टर उसका काजल लगा रही हूँ, ये काजल वाटर प्रूफ तो नहीं है पर मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वाटर प्रूफ काजल लगा लगा के मेरी पलकें गंजी हो चुकी हैं, इस वजह से ये मिस्टर उसका लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि लैशेज अप्लाई करनी है। इस वीडियो में मैंने लेंस लगाना और लेंस उतारना दोनों सिखाए हैं, वो आप देखने आगे। और ये जो बिगिनर्स के लिए जो लैशेज़ होती है ना आशमेटिक की 05 वो लैश लगा रही हूँ, मैंने मेयर किया है इसके लेंथ को, उसके बाद 4 लैशेज़ इसमें से कट की हैं। उसके बाद ये मैं क्रिस्टाइन की लैश ग्लू इसके ऊपर अप्लाई कर रही हूँ, दोनों लैशेज़ पर लैश ग्लू लगा के मैं इनको रख दूँगी जब तक कि ग्लू ड्राई हो जाए। उसके बाद ये मैं ब्रो का मस्कारा है क्रिस्टाइन का ही, बहुत ही ब्यूटीफुल शेड है, वाटर प्रूफ है और आपके ब्रोज़ को सेट कर देता है, बिल्कुल अजीब सा भी नहीं लगता जिस तरह से और मस्कारा लगता है ना, बिल्कुल नेचुरल लगता है। फिर ये मैं कोई भी ब्लैक ब्राउन पेंसिल लेके जो भी गैप्स हैं आईब्रोज़ के उनको फिल इन कर रही हूँ इसकी हेल्प से। उसके बाद जो एमपीटी स्पूली होता है ना उससे कॉम कर ली थी मैंने लैशेज़, तो ये मैंने लैशेज़ अप्लाई कर ली हैं। अगर लैशेज़ की गम ड्राई हो जाए ना अच्छे से तो आप बहुत ईजिली लैशेज़ ड्राई लगा सकते हैं। अब मैं ये लूज़ फेस पाउडर जो है ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से बड़े वाला इसको मैं फॉलो आउट कर रही हूँ। उसके बाद ये नाश्ता से ब्रेवली हिल्स का हाइलाइटर है, ये मैं अप्लाई करूँगी चिक बोन्स पे, नोज़ पे, चिन पे, और जो मैंने चिन वाली जगह पे कंटूरिंग लगा के छोड़ दी थी वो इसलिए छोड़ी थी ताकि ऐसा लगे कि यहाँ पे डिम्पल है। सो ये था फाइनल लुक विदाउट लेंस। और अब ये मैं लेंस अप्लाई कर रही हूँ, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपको बताया है लेंस लगाने का, जिस तरीके से मैं अप्लाई करती हूँ आप भी ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने वीडियो बिल्कुल भी एडिट नहीं की कि आप देखें कितना इजीली आप लेंस लगा सकते हैं। ये जो कलर मैं लगा रही हूँ ये है हेज़ल, और उसके बाद जो मैं कलर लगाऊंगी वो है मिडनाइट ग्रे। तो इस तरीके से आप लेंस लगा सकते हैं। देखिए मैंने आई मेकअप करने के बाद लेंस लगाए, मतलब कि उसके लेकिन नेसेसरी ये होता है कि आप इसको वॉश करें अच्छे से, अपनी हथेली पर रख कर अच्छे से वॉश करें जो लेंस का वाटर होता है उसके साथ। उसके अलावा एक और सीरम भी मिलता है जो कि आईज़ में डालो अगर लेंस इरिटेट करते हैं तो। अगर आप लोगों को नहीं पता तो मुझे बताना, मैं कमेंट में बता दूंगी। अगर वो भी आईज़ में डाल लें तो आईज़ जो होती है वो रिएक्शन नहीं करती लेंस की वजह से।
तो एक था ये कलर और दूसरा कलर भी मैं अप्लाई करूँगी। पहले मैं इसको रिमूव करूँगी और आप बताना कि मेरी आईज़ जो है विद लेंस ज़्यादा अच्छी लग रही थी या विदाउट लेंस ज़्यादा अच्छी लग रही थी। मुझे मेरी आईज़ ना इस वाले लेंस में ज़्यादा अच्छी लगी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये था मिड नाइट ग्रे शेड आयरस ब्यूटी की तरफ से और ये इसकी प्राइजेस बहुत ज़्यादा हाई है क्योंकि ये FDA से अप्रूव्ड है लेंस और इसकी प्राइजेस हैं विद आफ्टर डिस्काउंट मेरा अगर कोड यूज़ करेंगे तो 10,000। लिंक में डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। लेकिन ये जो लेंसेज हैं ना इनकी वारंटी भी है और ये आप लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने डाले हैं और बताना कि कौन से वाला लेंस ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और ये जो मेकअप लुक है ना ये मुझे रिक्वेस्ट की थी किसी ने महक मलिक का आई मेकअप लुक क्रिएट करें तो ये मैंने उसका देख के क्रिएट किया है। वो लेंसेज लगाती है अपनी आईज़ में और बहुत ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके मैंने इतने डांस के प्रोग्राम देखे सिर्फ उसका मेकअप लुक देखने के लिए कि वो किस तरीके से करती है। और आप लोगों की वजह से दो बार ये मैंने मेकअप लुक क्रिएट किया था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। लाइक और शेयर तो बनता है बॉस, तो लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, नोटिफिकेशन बेल जरूर। और थर्ड फ्लोर पर बैठ के मैं इस वीडियो को वॉइस ओवर कर रही हूँ तो शेयर कर दें और घंटी दबाएंगे तो नोटिफिकेशन मिलेगा ना। अल्लाह हाफिज़।